आइडेंटिटी कार्ड से बिल्कुल अलग किरदार है उसमें, बड़ी पढ़ी लिखी सी और बहुत ही यू नो आउट लाउड लड़की है वो इस फिल्म में। बहुत ही मतलब एक तो इलिटरेट विलेज गर्ल है वो, बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है, बहुत सहमी हुई सी रहती है। और मेरा सबसे जो सबसे ख़ास चीज़ है मेरे किरदार की वो ये है कि इसमें 10 साल का ट्रांजिशन दिखाया है गुड्डी के कैरेक्टर का, कि वो पहले 16 साल की है, छोटी बच्ची जैसे दिखाया उसे, फिर उसे बड़ा होते दिखाया। तो मेरी एक खुद की जर्नी है फिल्म में, यू नो अखिल के साथ, और पूरी एक जर्नी है गुड्डी की इस फिल्म में। सो वो बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको जो है शूट भी किया गया है। अच्छा शाशा, आपकी बात करें तो परिधि का किरदार किस तरह का होगा और कैसी लड़की है? परिधि का किरदार जो होगा वो बहुत ही बबली, बहुत ही स्वीट, बहुत ही एक इनोसेंट देसी गर्ल एट हार्ट का कैरेक्टर है। और वो फिल्म में एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, उनकी जर्नी जय भानुशाली के साथ है। बहुत ही एक अलग कैरेक्टर मुझे लगा था टू पिक अप आफ्टर डूइंग औरंगजेब, तो दैट इज़ द रीज़न मैंने देसी कट्टे की स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने कहा ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें एक अलग ही कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा। औरंगजेब में बहुत ही एक मॉडर्न गर्ल का कैरेक्टर था, बहुत ही एक बोल्ड कैरेक्टर था, तो फ्रॉम स्पोर्टिंग अ बिकिनी टू देन गोइंग ऑन टू अ शलवार कमीज वॉज वेरी वेरी डिफरेंट, एंड आई थॉट ऑडियंसिस को एक बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिलेगी, दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद दिस कट्टे। फिल्म में जो है काफी मंझे हुए कलाकार हैं जैसे सुनील शेट्टी है, जय भानुशाली, अखिल कपूर है, तो क्या कहेंगे उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? मंझे हुए इनको हम धोते हैं रोज लेम जोक। बहुत ही अच्छा लगा इन सबके साथ काम करके, अन्ना के साथ शट अप अन्ना के साथ बहुत मज़ा आया काम करने में, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीन्स उनके साथ हैं और बहुत ही सपोर्टिव थे सेट पे, और ड्यूरिंग आर सीन्स बहुत ही गाइड करते थे कि अच्छा जस्ट यू नो टेक इट ईजी, आराम से करो, क्योंकि एक वो था कि यू नो सुनील शेट्टी, तो एक इंटिमिडेशन भी फील होता था कि अगर मैं कोई गलत लाइन बोल दी या फिर से सीन करना पड़ा या समथिंग मे बी ही गेट अपसेट, बट ही वॉज नथिंग लाइक दैट। आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम एंड आई होप आई गेट टू वर्क विद हिम अगेन। बहुत ही अच्छा था यार, एड थ्री लवली गर्ल्स विद मी, तो और क्या चाहता हूँ मैं, और क्या व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर बॉस, बहुत ही मजा आया मुझे। हेलो लेडीज का लकी बॉय कृष्णा बन गया। हां मेरी गोपियां और मैं कृष्णा। शट अप, आई एम नॉट योर गोपियां। अच्छा एक क्वेश्चन हम क्लॉडिया से पूछना चाहेंगे, क्लॉडिया बलमा के बाद ये गाना आपने चूज किया, डिड यू व्हाट काइंड ऑफ अ पोटेंशियलिटी यू सॉ इन दिस सॉन्ग द बीट्स, बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेरी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग, नॉट वेरी यू नो मॉडर्न सॉन्ग व्हिच यू डिड बलमा, सो हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू टू परफॉर्म एंड Definitely after Balma I was looking for a song with a equally good potential. Once I went to Kailash Kher's studio and he made me listen, together with the director of course Anand Kumar, he made me listen Patne Wali. I really got hooked into that song because it's really catchy, really peppy, and Rekha Bhardwaj had sung that so beautifully. So I really believed in the potential of the song. I really liked the idea of the Desi Katta team because of course they changed entirely my look. From makeup, hair, I was wearing Gagra Cholle to, you know, tone down the makeup. So it was a great experience. It was challenging experience. And that's why I decided to do it. And that's why this is my second item song, Post Balma. Achha, Peppy song ki do line ho jaye. I am not the singer, I am a dancer in that. I am the performer in Patne Wali. And I think you should ask Rekha Bhardwaj to sing that line. Thank you so much. Thank you. It's, we are extremely honored to be receiving this felicitation. And this is such a prestigious, such a wonderful company. And they have given us these superb watches over here. We're really, really...